नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंशिता। स्वागत करती हूँ आपका वीवा न्यूज पर। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में 5 सहित कुल 117 भारतीय एथलीट पदक की रेस में शामिल थे। मनु भाकर और सरजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत में हॉकी में जीता कांस्य पदक, स्पेन को हराकर रचा इतिहास। वहीं नीरज ने सिल्वर मेडल तो अमन ने कुश्ती में जीता कांस्य। भारत ने अभी तक 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, कुल 6 पदक हासिल किए हैं। यूएसए अब तक टॉप पर रहा है। इस बार के ओलंपिक खेलों ने भारतीय खेलों के स्तर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल के माध्यम से देश को गर्वित कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालिफाई होने वाली विनेश फोगाट की, जिस पर पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि विनेश फोगाट ने 50 सीटर स्पर्धा महिला कुश्ती में फाइनल में प्रवेश कर लिया था, लेकिन मेडल कंफर्म होने से पहले ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने कहा, मैं स्टीक नियम नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वह फाइनल में पहुंची थी तो उसने ठीक से क्वालिफाई किया होगा, इसलिए जब आप फाइनल में जाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है। उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन वह कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने शानदार शुरुआत की थी। वह अपने पहले ही मैच में विनेश फोगाट ने 4 की वर्ल्ड कप चैंपियन और पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान को चित किया था। इसके बाद विनेश ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी दमदार जीत दर्ज की थी और फाइनल में प्रवेश किया था। विनेश फोगाट के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि फाइनल वाले दिन वह ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालिफाई हो गए। 50 किग्रा स्पर्धा महिला कुश्ती में विनेश का गोल्ड जीतना तय माना जा रहा था, हालांकि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले का विरोध किया है और सिल्वर मेडल की मांग की है। उन्हें सीएएस से गुहार लगाई है। सीएएस ने विनेश से 3 सवालों के जवाब मांगे हैं। विनेश ईमेल पर जवाब देंगी, फिर सीएएस अपना फैसला देंगी। भारत ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कुल 6 मेडल जीते हैं, इसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। अगर विनेश को सिल्वर मेडल मिल जाता है तो पेरिस ओलंपिक में भारत के कुल 7 मेडल हो जाएंगे। भारत के 29 साल की इस पहलवान को ओलंपिक महिला 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल मुकाबले में पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य करार कर दिया गया था। इससे विनेश का ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना टूट गया था और उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। विनेश की जगह फाइनल में क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेज उतरी, जो सेमीफाइनल में उनसे हार गई थी। भारतीय पहलवान ने खेल पंचायत यानी सीएएस में दायर अपनी अपील में लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक दिए जाने की मांग की है। सीएएस द्वारा इस पर 13 अगस्त तक कोई फैसला सुनाने की उम्मीद है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी विनेश का समर्थन करते हुए कहा था कि भारतीय पहलवान की अयोग्यता तर्क और खेल भावना के खिलाफ है। उन्होंने इससे जुड़ी नियमों पर फिर से विचार करने की सलाह दी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए वीवा न्यूज़।